नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक निशंक जैन ने नगर में हो रही विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें पूर्व विधायक निशंक जैन ने नगर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर अपनी नाराजगी जताई, जिस पर वरिष्ठ अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक एनडी स्वर्णिकार ने बैठक में बताया कि विद्युत में किसी भी तरह की कमी नहीं है, परंतु बरसात के मौसम में होने वाले मेंटेनेंस को लेकर कटौती का कार्यक्रम तैयार किया था, परंतु नगर के विद्युत उपभोक्ता और वर्तमान में काफी गर्मी की वजह से मेंटेनेंस का काम के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। 570 किलोमीटर 33 के मिलान है, 37 33 लेन के सब्सिडन है, इन सब का रखाव हम बरसात के पहले करते हैं और करते रहेंगे, परंतु वर्तमान में टेम्परेचर अधिक होने के कारण, जनता के विरोध के कारण से वह कार्य लंबित किया है, हमने कोई कटौती नहीं की है। हाँ, समय जो है वो वर्तमान मेंटेनेंस का है, इसलिए ऐसा लग रहा है, और वर्तमान में टेम्परेचर भी कहर बरसा रहा है, तो हर व्यक्ति की क्षमता है सहने की, वो उसे दिक्कत दे रही है। हमने मंत्री माननीय कमलनाथ जी की स्पष्ट मंशा है, सर्वहारा वर्ग की बात हो, आम आदमी की बात हो, किसी की भी बात हो, हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भरपूर बिजली मिले। अरे बिजली की तो हालत ये है कि किसान जो पिछली सरकारों में कम बिजली मिलती थी, सरकार चाहती है, कमलनाथ जी चाहते हैं कि उसको अधिकतम टाइम पर हम 3 फेज बिजली दे सकें, कहीं कोई बिजली की कमी नहीं है। यदि निचले स्तर के किसी अधिकारी कर्मचारी की गलती पाई गई तो निश्चित उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विजय रघुवंशी के साथ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।